Welcome, my dear students of class 7. We are doing the second chapter of civics, that is institutional representation of democracy. And in the last video, we have studied about universal adult franchise. What is that? The significance of universal adult franchise and what is election and the types of elections. And today, what we are going to study? Today, we will study about the election procedure. Means, elections kaise karwaye jaate hain, uska pura procedure kaisa hai. Election procedure is check out or controlled by the Election Commission of India. And these are the different steps of the election procedure. First is fixation of election constituencies. Constituencies kya hoti hai? Constituencies means divide the whole country according to the population. Jab hum population ke according puri country ko alag alag area mein divide kar dete hain, that is known as constituencies. Unhe hum kehte hain. Aur usi constituencies mein alag alag candidates ko elect kiya jata hai. Second step is preparation of the electoral rolls. What is electoral rolls? Electoral roll means preparation of the voters list. जैसा कि हमें आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है, मींस सभी लोग जो 18 इयर्स के हो जाते हैं उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन वोट डालने का राइट मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वोटिंग वोटर लिस्ट को तैयार किया जाता है. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी नए वोटर लिस्ट में ऐड होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और जो बाय चांस जिनकी डेथ हो गई है या किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर गए होते हैं उनका नाम उस वोटिंग लिस्ट में से कट कर दिया जाता है. और जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन मींस सभी सीटों के लिए आफ्टर द टाइम रेगुलर कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड आफ्टर 5 ईयर्स, फॉर दैट वी मेक द वोटिंग लिस्ट. तो नई वोटिंग लिस्ट तैयार की जाती है. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट. जब इलेक्टोरल रोल्स मींस वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, जो इलेक्शन कमीशन होता है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, उनकी हेल्प से इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट की करता है कि किस दिन को इलेक्शंस करवाए जाएंगे. अगर आपके लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है, उसके साथ डिस्कस किया जाता है. अगर स्टेट के इलेक्शंस हैं तो गवर्नर के साथ डिस्कशन की जाती है, उसके बाद ही डेट डिसाइड हो जाती है कि किस डेट को इलेक्शंस होने हैं और उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है. नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन. इसके बाद क्या किया जाता है कि अलग अलग पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि वो कहाँ पर जाकर अपना वोट देंगे. इसके लिए बहुत से पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग पार्ट्स में हम बहुत से पोलिंग स्टेशन बना देते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल. नेक्स्ट नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स. अगर आपका पोलिंग स्टेशन भी डिसाइड हो गया है, नाउ अब क्या होगा, जिन्होंने भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो कैंडिडेट्स अपना नेम देंगे. और किसको देंगे नेम? वो जो उस एरिया का ऑफिसर होगा, कंसर्न्ड ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर होता है, उसके बाद उसके पास उनके नाम दिए जाते हैं.
दैट इज़ नोन एज द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स. उस पर उसका नेम लिखा होता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है और साइन किया जाता है उस पर्सन के द्वारा कि वो इस इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहा है, पार्ट ले रहा है. नेक्स्ट, स्क्रूटिनी एंड विड्रॉयल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर. और एक फिक्स डेट कर दी जाती है जिस दिन जिन कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन दिया होता है उनके वो पेपर्स को स्क्रूटिनी, मतलब स्क्रूटिनी मींस उनकी जांच की जाती है, उनको चेक किया जाता है. उसके बाद कुछ दिन उनको दिए जाते हैं, अगर बाय चांस किसी कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लेना है तो वापस ले सकता है. पर जब एक बार फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है तो कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस नहीं लेगा. अगर उसी टाइम के बीच में वो अपना नाम वापस ले लेता है तो जो सिक्योरिटी उन्होंने जमा करवाई होती है वो उनको वापस मिल जाती है. क्लियर? और जब जो कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है उसको पब्लिश कर दिया जाता है और इलेक्शन सिंबल उन्हें दे दिए जाते हैं कि उनका इलेक्शन सिंबल कौन सा है. जैसे कांग्रेस है, उनका इलेक्शन सिंबल हाथ है. बीजेपी पार्टी है, उनका कमल का फूल है. ऐसे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके अलग अलग जो साइन होते हैं, इलेक्शन सिंबल उन्हें प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ इलेक्शन कंपेन. इलेक्शन कंपेन क्या होता है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स की सपोर्ट में प्रोपोगेट किया जाता है, प्रचार किया जाता है. इसके लिए क्या होता है इसका मोटिव, तो अपने इसमें वो अपनी पार्टी के बारे में या पार्टी का एम क्या है, मोटिव्स क्या है, तो वो उसके बारे में लोगों को बताते हैं. और वो इसके लिए अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स बुलाई जाती है, रैलीज निकालते हैं, जहाँ फिर न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है. अपने बारे में वो बताते हैं लोगों को और लोगों को वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, पोलिंग. और एक फिक्स डे जो हुआ होता है, अनाउंसमेंट डेट, जो इलेक्शन डेट होती है वो दिन आ जाता है. और उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है. किस लिए नेशनल हॉलीडे होता है? ताकि लोग आसानी से वोट डाल सके. उसमें क्या होता है, सभी लोग एक फिक्स जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पर जाते हैं और अपना वोट अपने डिज़ायर्ड कैंडिडेट को डालकर आते हैं. तो आजकल इसके लिए ईवीएम मशीन्स यूज़ की जाती हैं. ईवीएम मशीन्स क्या होती हैं? सी, दीज आर द ईवीएम मशीन्स. ईवीएम मशीन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है उनका नेम और उनका साइन होता है और सामने एक स्विच लगा होता है, बटन. इस बटन को प्रेस करना होता है. जैसे हम इसको बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा वोट उस कैंडिडेट के को चला जाता है. क्लियर? इससे पहले क्या होता था, आजकल ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती है, इससे पहले बैलेट पेपर यूज़ किए जाते थे. यानी पेपर होता था, उस पेपर पे भी सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और उनका साइन होता था और वहाँ पर स्टैंप लगाई जाती थी जिसको भी आप वोट डालना चाहते हो वहाँ पर हम स्टैंप लगा देते थे और वो वोट उसको चला जाता था. फिर इस पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता है. जब वोटिंग हो जाती है तो उस कैंडिडेट के राइट हैंड की फिंगर पर एक निशान लगा दिया जाता है सो दैट कि वो दोबारा वोटिंग ना करे, कि एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है. उसको एक, वन पर्सन वन वोट, एक आदमी एक वोट का ही राइट है. तो उस पर ये साइन लगा दिया जाता है दैट्स कि ही हैज़ डन द वोटिंग. क्लियर? And when the voting, polling is done, next step is counting of the votes. अब आपकी polling हो गई है तो polling station में से जब voting हो जाती है तो उनकी EVM machines को lock किया जाता है, seal कर दिया जाता है और
एक उनके ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचाया जाता है और एक फिक्स डेट पर इन वोट्स को काउंट किया जाता है इन द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, जो इसके लिए ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी सुपरविजन में वोट्स को काउंटिंग किया जाता है। और जो कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, उनके एजेंट भी वहाँ पर होते हैं ताकि उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि काउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई। अगर कोई ऑब्जेक्शन होती है तो वो उसी टाइम पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर। जब काउंटिंग हो जाती है देन लास्ट स्टेप इज़ डेक्लारेशन ऑफ द रिज़ल्ट। लास्ट होता है डेक्लारेशन ऑफ द रिज़ल्ट। वोट्स की काउंटिंग के बाद जब जिस कैंडिडेट को भी सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको विनर डिक्लेयर कर देता है और एक सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाता है कि ही इज़ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर। दैट इज़ द इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, हो द कैंडिडेट्स इलेक्ट इन इंडिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इंडिया। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the political parties and different types of political parties, their functions. Thank you for watching the video.